मुंह काफी स्पीड से घट रहा है, वजह इनकी आ भी वाकई चल रही है जी। ये देखे एक पता नहीं कौन सी रफ्तार से आवाज चल रही है, इसको जो सर्दी लग रही है। मैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ जी आप सभी ठीक होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम शुक्र के साथ आज का न्यू व्लॉग शुरू करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा हर व्लॉग आपको टाइम पर मिल सके और आप टाइम पर एंजॉय कर सके। तो काफ़ी दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, उसके लिए मैं जी आप सभी से माजरत करता हूँ। तो ये कुछ मामलात होते हैं इंसान के, तो काफ़ी दिनों से मेरे मामलात वो चल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सारे पॉसिबल तो नहीं हो सके, कुछ पॉसिबल थे वो हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आगे से आपको एक दिन छोड़कर दूसरे दिन व्लॉग ज़रूर देखने को मिलेगा जी। मैं आया था जी बाहर की तरफ, मैंने कहा जी आज जो स्मोक वगैरह पड़ी हुई है तो जाकर देखते हैं जी बाहर का क्या मौसम है। ये आपने सामने देख सकते हैं, ये जी चारा वगैरह काश्त किया हुआ है और यहाँ पर स्मोक स्मोक है, धुंध, हम इसे पंजाबी में कहते हैं जी धुंध। तो ये चेक करा जी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ का अच्छा सा बहुत ही खूबसूरत व्यू लेने आया था जी, माशाल्लाह बहुत ही सुकून आ रहा है और ये स्मोक की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जी। आप देख सकते हैं जी अभी अभी यहाँ से धान की फसल उठाई गई है और यहाँ पर अब गंदम की फसल काश्त कर दी गई है। तो इंशाल्लाह जी अभी टाइम होता जा रहा है जी 9 का, तो मैं उठे ही हूँ तो मैं बाहर आ गया हूँ, तो अभी नहा धोकर जी आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। बैठे हुए हैं जी अपने घर के सामने, तो अभी दोस्त आया हुआ था जी उसके साथ बैठे। ये देखे जी अभी ये नसवार रखने लगा जी, ये है कि इस नसवार से हट जा, ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है जी। यहाँ पर देखे जी यहाँ पर भी स्मोक कई राज है और सामने रोड पर कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये देखे जी ये सामने दो बकरियाँ जी अपना इंजॉय सर्दी में मार रही हैं जी सामने हैं, और अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं जी घास पर। तो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपको मिलते हैं। इस बंदे को सर्दी लग रही है और हवा भी वाकई चल रही है जी। ये देखे एक पता नहीं कौन सी रफ्तार से आवाज चल रही है, इसको जो सर्दी लग रही है। मैं देखे मैं सिर्फ कपड़ों में बैठा हूँ तो इसने जैकेट भी निकाल लिया अपनी। ये देखे इसे ज्यादा सर्दी लग रही है, आप चेक करें। पकौड़े खाने के बाद आज मौसम काफी अच्छा था और दोस्तों की फरमाइश थी कि कुछ फास्ट खाया जाए, जिसमें हमने डिसाइड किया कि हम आज पकौड़े खाएंगे। पकौड़े खाने के बाद फैसला हुआ कि ऊपर से गर्म चाय भी पी जाए, और ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त वसीम अकरम साहब हैं जिसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही, जिसकी शक्ल कुछ नज़र नहीं आ रही वजह के बाहर लाइट है और हम अंदर बंद कोठरी में रूम में बैठे हैं। ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त नसीर व्लॉगर साहब हैं, शुक्रिया सर शुक्रिया, जो जिन्होंने अभी अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है और काफ़ी मेहनती और अच्छे व्लॉगर हैं। तो काइंडली इन्हें सपोर्ट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। तो इनके हाथ में चाय है, चाय कप के अंदर है या नहीं है ये भी चेक करना पड़ेगा, चाय बिल्कुल है और आधी आधी से ज़्यादा पी चुके हैं, काफ़ी बड़ा मुंह है, मुंह भी काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है अपना भी मुंह बड़ा है ना, और ये मुंह काफ़ी स्पीड से घट रहा है, वजह इनकी शादी है कुछ दिनों के बाद, बेचारे बहुत अपसेट हैं। मैंने इन्हें बहुत समझाया है कि शादी लोगों की होती रहती है लेकिन वो इतने परेशान नहीं होते, ये बेचारा ज़्यादा ही परेशान है और इसकी मत मारी गई है, बेचारा बहुत मासूम है। ये शादी का लड्डू है, जो खा ले वो भी पछताता है, जो ना खाए वो भी पछताता है। भाई को मना करने के बाद अब इन्होंने यही फैसला कर लिया कि ये लड्डू मैं ज़रूर खाऊंगा। तो हमारी दोस्तों की दुआएं भाई के साथ हैं, अल्लाह पाक इन्हें इस जहाज में कामयाब फरमाए और इनकी अगली ज़िंदगी आसान हो और इनके नन्हे मुन्ने कुछ प्रोडक्ट दुनिया पर आए।